गो संरक्षण संबंधित बैठक मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में गौ संरक्षण केंद्र बना लें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर निराश्रित और छुट्टा पशुओं को उसमें रखने की व्यवस्था की जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उसे समय अनुसार और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। एक ये गौशाला ऐसी चीज है जो पहले दिन से मैं कह रही हूँ और उसमें उतनी प्रगति नहीं है जितनी आनी चाहिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, बारिश का समय आ गया है, टाउन का जो एरिया है जो हमारे गांव के एरिया से सटा हुआ है वहाँ पे पशुओं को प्रॉब्लम हो रही है रहने और एक्सीडेंटल केसेस और सब चीज़ों को देखते हुए ये एक्सपेक्टेड होगा कि जो गाँव में जो इशू आ रहा है मतलब पशुओं का अभी जितने भी हैं शहर वाला जो इशू है उससे गाँव में हम लोगों को भेजने ही होंगे पशु। तो इसमें कहने के बाद भी कई जगहों पे बहुत अच्छा नहीं हुआ है। अतरौरा में अभी भी 15 की शेड है आपकी नगर पंचायत में, ये होता है कि जब हमें लगेगा कि नगर क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है या 10 12 15 20 को पकड़ा जाता है कहीं से और नगर निगम के जो है वो ऑलरेडी फुल हो गए, तो एक्सपेक्ट करिए कि किसी दिन आपको फोन आएगा कि आपकी गौशाला में इतने पशु भेजे जा रहे हैं। आपके पास गौशाला नहीं होगी तो भी वीडियो को कॉल आ सकता है कि आपके पास क्योंकि इस क्षेत्र के पशु हैं आपके यहाँ भेजे जा रहे हैं, अब तुम वीडियो तुम जानो हमारा काम जानो, ये क्योंकि नगर निगम ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ऊपर पशुओं को हैंडल कर रहा है। गोला खजनी खजनी वीडियो था जी, खजनी में क्या स्टेटस हो रहा है, उसका हौज का कुछ प्रॉब्लम था वो बना दिए खजनी को, तो देखिए रिलीफ है क्योंकि इनके यहाँ बड़ी गौशाला है उसमें 400-500 पशु समा जाएंगे, जिला पंचायत तो इसमें काम कर बेसिकली जितनी भी जगह है जहाँ से नगर से कनेक्टिविटी डायरेक्ट है वहाँ पहुँचेंगे और डीएम से बात भी हो गई है कि भाई जैसे ही अगर कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन आएगी तो सबसे पहले हम लोग जो गाँव में हमारे नियरेस्ट जो ब्लॉक है उनमें हम लोग पशुओं को भेज देंगे अगर कोई प्रॉब्लम है। 530 की है तो नई गौशाला बनाना आप लोग घूम लो जहाँ आपको मिल जाए, क्या बनना है क्या नहीं बनना है उसको आप बना सकते हैं। दूसरी चीज आपका जो एक जियो आया पंचायत विभाग का राज्य विभाग उसमें आपने देखा होगा दो चीज़ों के लिए बताया गया है, एक तो परिवहन के लिए और एक आपको केयर टेकर के लिए। उसमें मेरा अनुरोध यह है कि उस जियो को ठीक से पढ़ लीजिए, अभी स्टैंडर्डाइजेशन शायद उसमें आएगा, मतलब ये ना हो कि आपके यहाँ से बिना कुछ देखे समझे केयर टेकर के पैसे के नाम से कुछ भी पैसा निकाल देते हैं, ये सब देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको हेडसअप दे दिया, आप 10 दिन के बीच में अगर आपको फोन आता है तो मुझे कॉल करके कोई मत बोलना कि मैडम ये तो इतने सारे बच्चे कहाँ लेके दो, अब आप जानो और आपको मानना है बहुत बड़ा ब्लॉक है आपका और आपको सरकार देता हो, ठीक है।